अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू लाया 2020 मॉडल का सिविक का। 2022 के अंदर 11 जनरेशन को लॉन्च किया गया है होंडा की तरफ से। उसके अंदर न्यू फीचर्स आए, न्यू लुक आई है इसके अंदर। इन्होंने पुरानी लुक में 2015 से लेके 2021 तक एक ही शेप के अंदर आ रही थी, बस उसकी फ्रंट पे DRL थोड़ी बहुत चेंज कर देते थे, LED हेडलैम्प्स डाल दिए थे, पहले हेलोजेंस आते थे, इस तरह इसमें फीचर्स मिलते थे। इस वीडियो में हम इस गाड़ी की प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ, ये गाड़ी जिन्होंने मुझे प्रोवाइड की है, ये ऑटो एक्सप्रेस शोरूम है। अगर आपको नसला टावर का पता हो, पहले था, अब तो ख़त्म हो गया नसला टावर, उसको तोड़ दिया गया बिल्कुल, उसके साथ ही ये वाला शोरूम है कराची के अंदर। कोई लेना चाहता है तो वहाँ पे आके ये वाली गाड़ी ले सकता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। चले वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के प्राइस बता दूं, तो 47,120 इस गाड़ी के प्राइस है। अब इसके इंजन का बताऊं तो इसके अंदर 1500 CC और 1800 CC के इंजन अंदर इंजन आते हैं, जो कि अभी न्यू मॉडल आया उसके अंदर 1500 CC टर्बोचार्ज इंजन आया, जो कि 2022 मॉडल। 2021 तक इन्होंने 1800 CC और 1500 CC में भी इंजन दिया था। तो अब इस गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं। तो फ्रंट पे जैसा कि आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसकी लुक बहुत ही न्यू स्टाइल के अंदर एग्रेसिव लुक इसके अंदर मिल। बाकी अब इसके फ्रंट की तरफ आते हैं तो फ्रंट पे हमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जैसा कि आपको मिल नज़र आ रहा है। यहाँ पे होंडा का लोगो और यहाँ पे क्रोम ग्रिल मिल जाती है फ्रंट के ऊपर। यहाँ पे DRL मिल जाता है, जो कि LED DRL है। यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद इंडिकेटर मिलता है, जो कि हमें इस लुक के अंदर मिल जाता है। और साथ ऊपर इसकी हमें क्रोम की गार्निश मिल जाती है। यहाँ नीचे की बात करें तो फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी ब्लैक टचिंग के अंदर हमें लुक मिल जाती है इसकी। यहाँ पे भी हमें लाइट मिलती है, अगर हम आगे से लाइट चलाएंगे गाड़ी की तो लाइट भी इसमें चल सकती है। यहाँ पे आ जाए तो इसके अंदर 17 इंचेस के हमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि ब्लैक कलर में मिलते हैं। 2021 के अंदर सिर्फ इन्होंने दिए। बाकी अब इसके इस तरफ आए तो 360 व्यू कैमरा तो नहीं मिलता, लेकिन रिट्रेक्टेबल साइड मिरर्स मिल जाते हैं और इंडिकेटर के साथ मिलते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर भी मिल रहा है। कीलेस एंट्री 2 डोर्स के अंदर मिल जाती है। इसकी बैक लुक में अभी जगह तो नहीं, मैं बैक लुक आपको दिखा सकता है, लेकिन अभी जगह नहीं है। यहाँ पे हम जैसा कि आपको विंडशीट भी मिल जाती है, डीफोगर वगैरह। बाकी इसके अंदर इधर पेट्रोल का लेफ्ट साइड के अंदर मिल जाते हैं। बैक की लुक में हमें सिविक मिलते हैं और बैक पे पार्किंग सेंसर इसमें नहीं मिलते। फुल ऑप्शन जो आती है उसके अंदर हमें हो सकता पार्किंग सेंसर मिलते हो, लेकिन ज़्यादातर इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते। बाकी अब आपको इसका दिखाऊँ इंटीरियर, तो इसके अंदर हमें सनरूफ भी मिल जाती है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है सनरूफ। बाकी अब इसके इंटीरियर की तरफ जाते हैं, इंटीरियर पे आ गए इस गाड़ी के। तो इंटीरियर जैसा कि आपको इस गाड़ी का नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें रिट्रेक्टेबल साइड मिरर्स की ऑप्शन 2 डोर्स हमें ऑटो के अंदर मिलते हैं, बाकी मैनुअल में मिल जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग की ऑप्शन मिल जाती है, बाकी रिट्रेक्टेबल साइड मिरर्स। यहाँ पे बूट ओपन क्लोजिंग की ऑप्शन, यहाँ पे हमें बोनट खोलने की ऑप्शन, हुड खोलने की ऑप्शन मिलती है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, पुश स्टार्ट ये सब बटन मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर एडेप्टिव नहीं मिलता है, नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी अब इसके मैं इंडिकेटर को क्लोज़ करूं, इसका स्पीडोमीटर जो है वो फुल डिजिटल के अंदर मिलता है। ये मुझे इसके सिविक की बहुत अच्छा लगा कि डिजिटल स्पीडोमीटर इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी अब इसकी तरफ आए तो इसके अंदर इकोनॉमी मोड की ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, ब्रेक होल्ड की ऑप्शन मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग की अंदर ऑप्शन मिलती है, 1 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, LCD मिलती है जो कि रिवर्स कैमरा और फ्रंट कैमरा को कंट्रोल कर रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट कर लेती है। 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं यहाँ और वहाँ पर मिलते हैं। इधर हमें सनरूफ मिलती है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती है जैसे कि देख ले आप। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स है, यहाँ पे हमें इतनी ऑप्शन मिल जाती है सामान वगैरह रखने की। मैं गाड़ी अब आपको स्टार्ट करके दिखाऊँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट, और इसका डिजिटल स्पीडोमीटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर, टेम्परेचर वगैरह बताएगा, इसमें रेंज बताएगा, बाकी इसके अंदर बताएगा कि डोर्स ओपन है क्लोज है, बाकी इसके मोड्स वगैरह की ऑप्शन बता देगा। क्रूज़ कंट्रोल वो बता रहे हैं अभी इसका ऑन है, लेकिन वो तो गाड़ी जब चलेगी तो फिर इसके लगता है क्रूज़ कंट्रोल। यहाँ पे हमें हीटेड की ऑप्शन मिल जाती गेज, यहाँ पे हमें फ्यूल का गेज मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है जो कि नॉर्मल मैनुअल में मिलता है, लेकिन अभी जो न्यू सिविक है उसके अंदर डिजिटल में मिल गया। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कनेक्टिविटी की ऑप्शन मिलती है। अभी इसके मैं फ्रंट कैमरा दिखा हुआ आपको, तो फ्रंट कैमरा भी इस पे जाते हैं। फ्रंट कैमरा जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अभी ओपन हो गया, ये फ्रंट पे कैमरा ओपन हुआ, जैसे कि आप फ्रंट पे हमें नज़र आ रही अल्टो और दूसरी गाड़ी स्पोर्टेज। वापस बैक पे जाते तो होम पे जाए तो बाकी इसके अंदर रिवाइज कैमरा भी अगर ऑन करना चाहे कर सकते हैं आप लोग। बाकी यहाँ पे भी स्टार्ट बटन पे रेड लाइट चल रही कि गाड़ी अभी ऑन है। बाकी इस गाड़ी को भी मैं क्लोज़ कर लूँ। तो ये था इसका रिव्यू। आपको अगर होंडा सिविक लेनी है तो आप ऑटो एक्सप्रेस शोरूम पे आ सकते हैं, जो कि हमें मिलता है नसला टावर के बिल्कुल पास है, नसरी पुल शारे कैदीन।
अगर आप लेना चाहते हैं होंडा सिविक तो आके आप ले सकते हैं। तो ये था इसका रिव्यू होंडा सिविक 2020 मॉडल का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।